guess I just wanna go, go, go to the deep end. हे गाइस, कैसे हैं आप सब। अगर फ्रेंड्स आपके पास है ओप्पो का K10 और इस फोन में आप डुअल एप्स को बनाना चाहते हैं तो मैं आपको बताने वाला हूं कैसे बना सकते हैं। अगर किसी एप्स का आप डुअल ऐप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए अपनी फोन की सेटिंग को ओपन कर लीजिए। ओपन करके आपको यहां से इस तरीके से स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करते हैं तो आपको यहां देखने को मिल जाता है एप्स एंड मैनेजमेंट, तो यहां क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपको यहां देखने को मिल जाता है ऐप क्लोनर, तो सबसे पहले आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वो एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे जिनका आप इस फोन के अंदर क्लोन ऐप बना सकते हैं। तो कौन का एप्लीकेशन है जिसका आप क्लोन ऐप बनाना चाहते हैं, उस पर इस तरीके से क्लिक कीजिए और यहाँ के इस फीचर को इनेबल कर दीजिए। कुछ टाइम के लिए प्रोसेस रहेगा जिसके बाद आपका ये एप्लीकेशन क्रिएट होकर आपके डेस्कटॉप पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ मैं, इस ऐप्स का जो नाम होता है फेसबुक, जैसे कि फेसबुक का आप बना रहे हैं तो फेसबुक नाम रहेगा इसका। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर पाएंगे, मतलब इसका रीनेम भी आप कर पाएंगे। तो रीनेम करने के लिए कुछ देर के लिए प्रोसेस चल रहेगा। अब आपको इस पर क्लिक कर लेना होगा। इस पर क्लिक करते ही आप इसको अपना नाम भी डाल सकते हैं या दे सकते हैं इसको अपना नाम, और नाम देके आप जब डेस्कटॉप पे जाएंगे तो आपके नाम से ही फेसबुक आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ फेसबुक आपको देखने को मिल रही है। इसके साथ ही नीचे को आप आएंगे तो यहाँ पे आपको मेरे नाम से फेसबुक देखने को मिल जाएगी। तो इस टाइप से इस फोन में आप डुअल ऐप्स को बना सकते हैं। ऐसे करते हैं फ्रेंड्स, आपको ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।